पूज्य गुरुदेव गुणायतन के शिवमणि संरक्षक अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात से पूछ रहे हैं, गुरुदेव चमत्कारों की क्या यथार्थता है तथा ये इन्हें अपनी श्रद्धा और भावना से किस प्रकार जोड़ें कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। देखिए कई लोग हैं जिनका चमत्कारों पर बड़ा विश्वास होता है। मेरी राय में चमत्कार कुछ नहीं, ये सब हमारी भावनाओं का ही एक प्रकट रूप है। मान लो तो चमत्कार, न मानो तो कोई चमत्कार। जहाँ तक चमत्कारों से प्रभावित होने का सवाल है, मैं कहता हूँ बाहरी चमत्कारों से बिल्कुल भी प्रभावित मत होना। अपनी चेतना को चमत्कृत करने का प्रयत्न करो। कुछ लोग बाहर के चमत्कार से प्रभावित होते हैं। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज आप कोई चमत्कार नहीं करते। कैसा चमत्कार भैया? बोले महाराज एक महाराज है वो नारियल से हीरा निकाल देते। नारियल फोड़ते हैं उसमें से हीरा निकल जाता है। अच्छा फिर क्या करते? वो हीरा अपने पास रखते कि लोगों को बांट देते हैं? बोले महाराज रखते तो अपने ही पास। तो मैंने उससे एक बात कहा कि देख ज्यादा तो मैं नहीं जानता, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था ना, तो जब आधी छुट्टी होती थी तो वहीं बगल में कचहरी थी, मदारी लोग अपना खेल दिखाते थे, मैं देखता था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था। वहाँ देखता था तो मैं देखता था कि वो 10 के नोट को 20 का नोट बना देता था, 10-10 के नोट को 20-20 का नोट बना देता था। और जब उसका खेल खत्म होता तो 10-10 पैसे के लिए हाथ बढ़ाता था। जो व्यक्ति 10 का नोट 20 का बनाने, 10 के नोट को 20 में बदलने में सक्षम है, वो 10 पैसे के लिए हाथ क्यों बढ़ा रहा है? बस इतनी समझ रखो तो जल्दी से कोई भी चमत्कार तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। हम चमत्कारों की बड़ी बड़ी गाथाएं गाते हैं और जहां से चमत्कार की बातें कहते हैं वहीं कई प्रकार की उलझने होती, वहां चमत्कार कहां गया? चैतन्य चमत्कार को पहचानो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म कांड पर नहीं। ये विडंबना है कि परम तत्व ज्ञान मूलक जैन धर्म आज कर्म कांडों में बदलता जा रहा है और लोग इन्हीं में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं ये धर्म की सच्ची समझ नहीं है। पुण्य और पाप पर विश्वास रखो, इन सब चीजों को इन चमत्कारों से जोड़ना मेरी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है और मैं न तो इस तरह के चमत्कारों में विश्वास रखता हूं और न ही मेरी इसमें किसी प्रकार की रुचि है।